हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एक और अहम खबर आ रही है, इसके लिए चलते हैं कुमकुम बिजवाल के पास। बिल्कुल विकास, उत्तरायण त्योहार यानी मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, लेकिन इस बार त्योहार पर आसमान से वो चमक नहीं दिखाई दे रही जो हर साल होती है। क्यों? पतंगबाजियों को हो रही है मुश्किल, और कोरोना काल में कैसे ये लोग जूझ रहे हैं मुश्किलों से, एक मिनट में पूरी खबर। पतंगों पर भी लगी लॉकडाउन की मार। यूं तो पूरे देश में पतंगबाजी होती है, लेकिन गुजरात में इसकी अलग ही रंगत होती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां काइट फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाएं तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस बार यहां पतंग बनाने वालों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गुजरात में पतंग बनाने का सबसे ज्यादा काम नाडियाड, वडोदरा, खंभात और जम्बूसर में होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ये अपने ग्राहकों के इंतजार में है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पतंगों की मांग और माल दोनों में ही 40-50% की कमी आई है। पतंग के मार्केट में माहौल थोड़ा अफेक्टेड है, उसका वजह यह है कि कोरोना महामारी, हम लोग पिछले साल से 50% की आशा रखते हैं कि भाई पिछले साल जो काम किया इससे 50% भी हो गया तो अच्छा रहेगा। इन पतंगों में लगाई जाने वाली ये लकड़ी असम से आती है, लेकिन असम में आए बाढ़, बारिश, तूफान और अब लॉकडाउन के चलते कच्चे माल की सप्लाई कम हो गई है।